विच्छेद है, ये पवन का संत विच्छेद है। आज हम आपको इस ऐसे शब्द अगर आप देखेंगे तो देखते मान समझ जाएंगे इसमें कौन सा इसका संत विच्छेद कैसे होगा। कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, हम आपको समझाएंगे कि इसको आप कैसे करेंगे। आपका इसका इसमें आप बस दो चीज याद रखिए, क्या क्या, यदि ए है, ए देखिए बस आप मात्रा से ऐसे, अगर ए है और ए है, ए का ए और ए का आए, ए का ए और उसके बाद है ओ, ओ है तो ओ और आओ, बस आपको इतना इतनी बात याद रखनी है कि अगर ए की मात्रा लगेगी तो ए का ए हो जाएगा, ए का आए हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आ हो जाएगा। बस इतनी बात अब आपको याद रखनी है। हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप समझेंगे कि इसमें कौन सा आयात संधि है और कैसे आप उसका संधि विच्छेद करेंगे। देखिए क्या हमारा है, पवन, हम चार वर्ड लेते हैं और इस चार वर्ड में आपको हम समझाएंगे। पवन, पावक, शयन, पवन, पावक, शयन और नायक, ये चार वर्ड ये आयात संधि। आयात संधि आप सिंपल, ये एकदम सिंपल संधि होती है, इसका वर्ड जो होता है वो एकदम सिंपल होता है, बस इसमें आ या आ की मात्रा लगी रहेगी तो आप इसको समझ जाएंगे। लेकिन आयात संधि समझने के बाद उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे ओ लगेगा, कहाँ पे ए लगेगा, ये सब हम आज आपको देखिए आप समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जैसे पवन का संधि विच्छेद है, अब हमने आपको क्या बताया, अगर ए रहेगा, ए का ए, ए का आए, ओ का औ और औ का आओ, ये यही चार चीज आपको याद रखनी है कि किसका क्या होता है। अब यहां पे देखिए आप पवन, तो पवन तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ओ का औ, यानी देखिए यहां पे ओ का औ, औ में आप जानते हैं कि कोई भी वर्ड हो तो उसके बाद आ की मात्रा छुपी होती है उसमें, तो आप देख लेंगे अगर यहाँ पे वर्ड बस ऐसे आप लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, आओ, ये क्या पढ़ेंगे इसको हम, आओ, तो आओ, और आव जो शब्द है आ, आ सॉरी इसको इसमें मात्रा नहीं लगे तो पवन, इसको हम क्या पढ़ेंगे अव, और अव जो शब्द है किसके लिए है, ओ के लिए है। अब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे पवन, तो पवन को आप कैसे लिखेंगे, पो प्लस अन, इसका संधि विच्छेद आपने कर दिया, पो प्लस अन, पो प्लस अन, और यहाँ पे देखिए जो पो प्लस अन है यही इसका सही संधि विच्छेद है। अब ऐसे ही आप देखिए है ना सिंपल, आप यहाँ सीधे देखेंगे कि जहाँ पे व दिख रहा है आपको यह दिख रहा है, अगर वहां पे आ की मात्रा लगी है तो आप उसको आओ में बड़े में, और आ की मात्रा नहीं लगी है तो छोटे में। अब आप इसको देख लीजिए पावक, यहाँ पे क्या है, अवा है, अब आ की मात्रा भी तो लगी है तो आप किस में ले जाएंगे, आव, तो आव का मतलब आओ, देखिए आओ कहां पे है, आओ के लिए, तो पौ धन आओ, पौ धन आओ। पावक अगर आपसे ऐसे ही पूछ लीजिए कि पावक का संधि विच्छेद है तो क्या है, पौ धन आओ। ऐसे देखिए शयन, शयन में यहां पे आपको देख रहा है बीच में दिख रहा है यह, तो यह यानी अय का यह जो है यहाँ पे यह किसके लिए होता है, ए के लिए, ए की मात्रा के लिए क्या होता है, आय, तो आया होता है, और अगर आ की मात्रा लगी है तो आय होता है, तो ए की मात्रा के लिए यह होता है तो ये क्या हो जाएगा, से धन अन, से धन अन। और ऐसे नायक को देख लीजिए आप, इसमें क्या है, आय, तो क्या हो जाएगा, नए धन आ,
यही क्या हो जाएगा हमारा नायक। तो आप इसका संधिविच्छेद समझ गए होंगे, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया हमारे समझा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको इसको फिर से समझाएंगे, क्योंकि इसमें आपका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप इसका इसको करते कैसे है हम आपको उसको समझाने की कोशिश करें, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई देखिए अब हम एक बार और आपको समझाने की कोशिश करें। आपको अगर ऐसा वर्ड दिखता है तो आप सीधा व और या को पकड़िए। किसको पकड़ेंगे? व और या को, ठीक। व ओ के लिए व का प्रयोग, यानी अगर व केवल व रहेगा तो ओ, और आव का आओ, और ऐसे ए का या और ए का आए। तो अब आप देख लीजिए व, व किसके लिए है? ओ की मात्रा के लिए। तो इसका संधिविच्छेद करने के लिए आपको पो प्लस अन क्या हो गया? पवन। यही पे आपका है ना, पो प्लस अन क्या हो गया? पवन। उसके बाद पावन, अगर पावन देखिए यही जो दिया गया है पावन, अगर यही पे पावन शब्द दिया होता तो ओ का यूज आप करते, पावन। यही पावन अन भी सही है, लेकिन किसके लिए सही है? पावन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या आपको नजर है? आव। तो आव का मतलब बड़ी ओ की मात्रा, पौ धन अन, ये भी हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम, तो क्या है क्वेश्चन देखिए, पवन का संधि विच्छेद है पौ धन अन, इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए।